हेलो ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, बच्चों लोगों का एक प्रॉब्लम है कि सर इतने सारे चैप्टर सिलेबस में है ना, सबको रिवीजन करके जाना क्या जरूरी है एग्जाम्स में? कोई चैप्टर तो ऐसा बता दीजिए जिसको हम लोग छोड़ के पूरा एग्जाम्स में जा सकते हैं और फिर भी हम लोग पास कर जाए एग्जाम्स। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एकदम बिना कि आप एग्जाम्स में जा ही नहीं सकते हो, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको स्किप कर दे और फिर एग्जाम्स में जाए हम अच्छा स्कोर करके चले आएंगे, आप में से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो 80 प्लस स्कोर किए हैं अकाउंट्स में जब वो क्लास 12 के एग्जाम्स देकर के पास किए हैं, बट दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग टू पास इन द सीए फाउंडेशन अकाउंट्स एग्जाम्स। उनको ऐसा लगता है कि अकाउंट्स काफी टफ हो गया हम लोगों के लिए। बिल्कुल टफ नहीं है, आप कुछ सिलेक्टेड चैप्टर जो आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हो और अभी के भी आपके एग्जाम्स बहुत कॉमन है, आपने अच्छा से उसका प्रिपरेशन कर लिया है, बस आपको जरूरत है तो क्या है उसके अच्छे से रिविजन करने की। क्या ऐसा चैप्टर है, मैंने पूरा चैप्टर का मार्क्स वाइज पूरा यहाँ पे डिटेल रख दिया है। ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हो ना बच्चों, जो सीरियल नंबर 9, 10, 11, 12 और 13 पे लिखा हुआ है, ये चैप्टर्स आपको एग्जाम्स को आराम से पास करा देगा, इतने चैप्टर्स। और एक को और जोड़ लेते हैं हम, 8 नंबर को भी, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये जो चैप्टर्स है ना कंपल्सरली आपके एग्जाम्स में रहते ही रहते हैं, पेपर में एकदम आपके एग्जाम्स के पेपर में रहेंगे ही रहेंगे। सबसे पहले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है ये 10, 15 और 20 नंबर तक में आ सकता है। 15 मार्क्स आप एकदम ऑन एन एवरेज लेके चलो कि ये एनपीओ चैप्टर से रहेगा। कभी कभी इंस्टीट्यूट इसको 10 नंबर में भी दे देता है, कभी कभी इंस्टीट्यूट इसको 10 नंबर में भी दे देता है। तो एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है आपका, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है पूरा। इसके बाद कंपनी अकाउंट में आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक 10 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का। 10 मार्क्स का जो चैप्टर रहेगा वह इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर एंड रील इशू से रहेगा, एंड एक आपका इशू ऑफ डिवेंचर से क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स। सो ये चैप्टर भी आप पहले भी पढ़े हुए हो ऑलरेडी, आप पहले भी जब आप स्कूल डेज में भी अपने पढ़े हो और अभी तो सीए फाउंडेशन में आपने इसको एकदम अच्छे से तैयारी करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कहीं भी आप पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, देयर इज नो इश्यू एट ऑल, सभी जगह पे इन सारे चैप्टर्स को फोकस करके कराया जाता है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन उसमें प्रैक्टिस कराए जाते हैं और अभी भी आपको समय है कि अभी भी आपको लगता है कि नहीं स्ट्रगल कर रहे हैं हम ये चैप्टर अच्छा से तब नहीं समझ पाए हैं, अगर आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम्स भी है ना तो उसके लिए भी जेन्युइन सॉल्यूशंस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल्स पे इन सारे चैप्टर्स का जो अभी तक यहाँ पर अवेलेबल है ना, इन सारे चैप्टर्स का मैराथन अभी जस्ट खत्म हुआ है, जस्ट मैराथन अभी खत्म हुआ, मैराथन कंप्लीट हो गया और अपने यहाँ पर चैप्टर वाइज मैराथन पूरा कराया जाता है एक एक चैप्टर का। बट बड़े बड़े सम्स लेके मास्टर टाइप का जो क्वेश्चन जिससे पूरा चैप्टर्स को कवरेज किया जा सके वैसे क्वेश्चन के साथ मैराथन कराया हुआ है, तो आप उसको लेकर के हमारे YouTube चैनल से देख सकते हो। आपको प्रॉब्लम्स हो तो आप कॉल करके उसका लिंक भी मांग सकते हो, अगर आप सर्च नहीं कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ द क्वेश्चंस गिवन, प्लेलिस्ट उसका आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप आराम से वहां से देख सकते हो, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपके पास ज्यादा, अगर आप प्रिपेयर कर चुके हो तो वीडियोस के पीछे ज्यादा भागने का जरूरत नहीं है, आप आराम से बैठ के कॉपी से गो थ्रू करो, 2-4 क्वेश्चंस अपने हाथों से कॉपी पे लिख के बनाओ। लिख के बनाना बहुत जरूरी है, खाली नजरों से उतार के चले जाओगे कि नजरों से आंखों से देख लेते हैं ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट हुआ, ऐसे ऐसे सर लोगों ने समझाया, ऐसे काम हो जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। आपको लिख के कॉपी पे प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज आपका ब्रेन तभी मेमोराइज कर पाएगा जब आप लिख करके कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे। और इन सारे चैप्टर्स को छोड़ के बिना किए कॉपी पे प्रैक्टिस तो नहीं ही जाओ एग्जाम्स में। ये आपका 15 मार्क्स का इधर से क्वेश्चन रहेगा, कंपल्सरली ये रहेगा, आप आराम से इसको अटेंड कर सकते हो। पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपका प्रीवियस टर्म में, जून वाले टर्म में आप लोगों का जो एग्जाम्स हुआ था, ये वाले एग्जाम्स में डेथ जो चैप्टर था, डेथ ऑफ पार्टनर, वहां से एक बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ गया था डेथ ऑफ पार्टनर से। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं है कि डेथ दोबारा से नहीं दे सकता, इंस्टीट्यूट दे भी सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि डेथ चैप्टर से इस बार क्वेश्चंस ना आए। सो आपका फोकस एडमिशंस ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे इस बार ज्यादा होना चाहिए, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट और आपका ये रिटायरमेंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर और एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसको ये 15 नंबर तक का आपके एग्जाम्स में आ सकता है। फाइनल अकाउंट एकदम फेवरेट चैप्टर है सारे स्टूडेंट लोगों का, बहुत पसंद से इसको बैठ बैठ के करते हैं, बैलेंस शीट मिलाने की कोशिश करते हैं, लास्ट में नहीं मैच करता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्टेप मार्किंग इस पे इंस्टीट्यूट देता है, सो आप फाइनल अकाउंट को भी प्रैक्टिस करके जाओ, ये आपके सेगमेंट में रहना चाहिए एकदम कि मेरे को फाइनल अकाउंट करके ही जाना है, इसको स्किप करने का नहीं है। कंसाइनमेंट चैप्टर बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, कंसाइनमेंट आप कीजिए। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आप करके जाओ, 10 नंबर का तो एग्जाम्स में ये आता ही है, 10 नंबर का कंसाइनमेंट और 10 नंबर का ये, आप एक बार इसका मार्क्स जोड़ लो कितने मार्क्स का ये हो गया। अगर मैं इसमें से 3 चैप्टर मैंने लिखा ये तो 15 का आएगा ही आएगा,
फाइनल अकाउंट का भी मैं मार्क्स अगर एक बार 15 नंबर जोड़ता हूँ तो 30 नंबर यहाँ से हो गया आपका। फिर इसके बाद पार्टनरशिप से 15 नंबर का क्वेश्चन है, इधर से 15 नंबर का क्वेश्चन, 80 का तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब पेपर में ऑप्शंस भी रहता है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स जो बच्चे लोग सीरियस होकर नहीं पढ़ते लास्ट में लिखेंगे इसको, लास्ट में ट्रू लिख देते हैं लेकिन ट्रू क्यों है ये रीजन नहीं लिखते, फॉल्स लिख देते हैं बस फॉल्स क्यों है ये रीजन नहीं लिखते। दो नंबर का होता है, दो नंबर का होता है वो क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन 12 नंबर आप वहां पर स्कोर करके आ सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो। ठीक है, आप हमने हमने मैंने मैंने खुद ट्रू फॉल्स का एक बड़ा सा क्वेश्चन बंच बना के रखा हुआ है, सारे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आप हमारे यहाँ क्लासेस नहीं भी लिए तो भी आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कर दो, बस कॉन्टेक्ट नंबर हमारा है ये, इस पे मैसेज कर दो, ये हमारे ऑफिस का नंबर है और इस पे आप मैसेज करोगे एंड आफ्टर दैट आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर दिया जाएगा वो ट्रू फॉल्स का पूरा बंच। ठीक है, आप वो ट्रू फॉल्स पूरा प्रैक्टिस कर लो, वहां से आपका काम हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपका पूरा काम ट्रू फॉल्स का हो जाएगा। इसके बाद इधर से कौन सा चैप्टर हम लोगों को करना चाहिए, मैं सबसे पहले इधर के जो चैप्टर्स है ना छोटे छोटे मार्क्स में जो चैप्टर्स आते हैं कम नंबर में जो आते हैं, आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को बिल्कुल करके जाओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आप बिल्कुल करके जाओ। देन आफ्टर ये चैप्टर्स अकाउंट करेंट, एवरेज ड्यू डेट, इन्वेंट्री, ये बहुत सिंपल चैप्टर है, ये बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर आपके पास टाइम इतना अवेलेबल है उन बड़े चैप्टर्स को करने के बाद तो आप कम से कम अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट और इधर से आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इसको जरूर से करके आप एग्जाम्स में जाओ, ट्रू फॉल्स कर लो और ये बड़े चैप्टर्स कर लो। आसानी से खराब परिस्थिति में आप एकदम खराब से खराब परिस्थिति में भी 50+ स्कोर करके अपने एग्जाम्स में आप आराम से आ सकते हो, कोई भी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। 50+ स्कोर मैं मतलब खराब परिस्थितियों में बोल रहा हूँ, और आपने अगर अच्छा से इसके ऊपर कमांड करके गया तो 75+ मार्क्स आपका आराम से आ सकता है, ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और आपको अभी भी इस चार चैप्टर्स में टाइम है, अभी जो आपके एग्जाम्स का ड्यूरेशन बचा हुआ है करीब 22-23 डेज का और एग्जाम्स का ड्यूरेशन आपका रह गया, मतलब अगर आप सही मायने में देखो तो आपके पास अकाउंट्स पढ़ने के लिए 6 दिन का टाइम है, अकाउंट्स पढ़ने के लिए अगर आपके पास देखा जाए तो सिर्फ ओनली एंड ओनली 6 डेज टाइम इन योर हैंड। और अगर आप इस 6 डेज में अगर आप सिर्फ अकाउंट्स को लेकर के बैठते हो फोकस्ड होकर के तो ये 6 बड़े चैप्टर्स और 2-3 छोटे चैप्टर्स आराम से आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके बैठते हो तो कर लोगे। और स्ट्रगल कर रहे हो कि नहीं निकल सकता अकाउंट्स में, अटक जाएगा अकाउंट्स की वजह से, रुक जाएगा, तो ऐसा कोई नहीं है, आप सब्जेक्ट वाइज फोकस करो, अभी भी टाइम है टारगेट स्टडी करने का, टारगेट स्टडी के थ्रू अभी भी आप अपने एग्जाम्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, जरूर से आपका एग्जाम्स क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन। फिर मैं मैथ्स के लिए भी आपको सेशन बताऊंगा, मैथ्स के लिए भी चैप्टर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर कर लिए जिससे काम हो जाएगा, और उसका भी मैराथन अवेलेबल है क्या सर? जी यस, उसका भी मैथ्स का भी मैराथन अवेलेबल है, और मैथ्स को मैराथन कर लेने से मैथ्स का पेपर आपका आराम से पास हो जाएगा। उसके लिए भी मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगा कि मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स करके जाने से, और लॉजिकल रीजनिंग तो उस फिक्स है, उसका 4 चैप्टर 20 मार्क्स फिक्स है, तो उसके कौन कौन से चैप्टर्स करके जाने से उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बस इसको पहले आप स्टार्ट करो, उस चैप्टर्स उस सब्जेक्ट के लिए भी आपको वीडियो अलग से शेयर किया जाएगा। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।